तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदि रोहित हम में। तो आज के जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर लोकी क्राफ्ट और लोकी क्राफ्ट 5 में अंतर क्या है, क्यों लोकी क्राफ्ट से लोग लोकी क्राफ्ट 5 में जा रहे हैं, आखिर लोकी क्राफ्ट 5 में क्या ऐसा है, क्या हमारा लोकी क्राफ्ट 5 से नहीं अच्छा है, आखिर क्या क्या उसमें अंतर है, क्या क्या अंतर है दोनों में लोकी क्राफ्ट और 5 में, और क्या क्या उसमें खास दिया हुआ है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों का हम पड़ताल करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर इन दोनों गेम्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम लोकी क्राफ्ट में आ चुके हैं, तो भाई ये रहा अपने लोकी क्राफ्ट का दृश्य और ये दूसरा रहा अपने लोकी क्राफ्ट 5 का दृश्य। तो इन इस चीज़ों में तो दोनों लगभग सिमिलियर हैं, मतलब एक ही जैसे हैं। अब दूसरा देखते हैं, तो ये रहा अपना लोकी क्राफ्ट का ग्रास, ऐसे सिंपल सा है, सीधा सा खड़ा हुआ है। और अब अपने लोकी क्राफ्ट 5 का देखते हैं, तो ये रहा अपने लोकी क्राफ्ट 5 का ग्रास, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिल रहा होता है। और ये रहा अपने लोकी क्राफ्ट का ट्री, तो ये सिंपल सा है, प्यारा सा। और लोकी क्राफ्ट 5 का देख लीजिए ट्री, जो इसमें कुछ ज़्यादा ग्रीनरी दिख रहा है, इतना ही डिफरेंस है। और लोकी क्राफ्ट का देखिए ये है ग्रास लैंड, आप खुद देख लीजिए इसका, तो ये काफ़ी अच्छा हरा भरा सा दिख रहा है। और ये एनिमल्स लोकी क्राफ्ट के अपने गेम के हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है। तो ये ग्राफिक्स लगभग सेम ही एक ही जैसे दोनों गेम्स के हैं। लोकी क्राफ्ट 5 का भी आपको दिखा देते हैं अपना ग्राफिक। तो ये रहा लोकी क्राफ्ट 5 का ग्राफिक्स लाइन, तो इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बस इतना ही अंतर दिख रहा है, एनिमल भी एक ही जैसे हैं। तो भाई अब आ चुके हैं लोकी क्राफ्ट के डिज़र्ट की तरफ, तो एक बार रेगिस्तान भी देख लेते हैं कि आखिर कैसा है। तो ये लोकी क्राफ्ट का ग्रास, ओ सॉरी यार, डिज़र्ट एरिया है जहाँ पे रेगिस्तान है, पूरा रेत ही रेत है। तो काफ़ी अच्छा सुंदर सा है, माइनक्राफ्ट जैसा है, ये लुक अच्छा आ रहा है, यानी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है लोकी क्राफ्ट का, लेकिन कुछ उसमें मल्टीप्लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है और एक दो चीज़ें हैं। तो ये लोकी क्राफ्ट 5 का रेगिस्तान है, लेकिन मुझे तो अच्छा लोकी क्राफ्ट का ही जो ये डिज़र्ट था वही अच्छा लगा, इसमें कुछ ज़्यादा ब्लैक कलर के हैं। तो इसमें केवल दो कुछ चीज़ें अंतर हैं, जैसे इस लोकी क्राफ्ट में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन है, यानी एक प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर खेल सकते हैं, और एक दो आइटम और माइनक्राफ्ट जैसा है ये, इसमें जो माइनक्राफ्ट में हो सकता है, लेकिन माइनक्राफ्ट में लैग होता है, इसमें भी नहीं लैग होता है यार, इसमें लैग होता है, सॉरी यार। ये लोकी क्राफ्ट का वाटर है, देखिए कितना क्लीन दिख रहा है, लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी है लोकी क्राफ्ट के वाटर का, कि आप अंदर ही जैसे जाएंगे कुछ अंदर दिखेगा ही नहीं, जिस समय मैं देख रहा हूँ तो अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम लोकी क्राफ्ट 5 की बात करें तो ये देखिए ऊपर से ही क्लीन क्लीन दिख रहा है वाटर, कितना साफ दिख रहा है पानी, वो अंदर जाने के बाद में और ही कुछ ज़्यादा ही साफ हो जाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, मछलियाँ तैर रही हैं और पता नहीं कितने जीव हैं, लेकिन लोकी क्राफ्ट में आप समुद्री जीव एक भी नहीं पाएंगे, और इसमें मॉन्स्टर भी हैं, समुद्री मॉन्स्टर। तो ये काफ़ी लोकी क्राफ्ट में यही अंतर है लोकी क्राफ्ट और लोकी क्राफ्ट 5 में, इसमें कुछ माइनक्राफ्ट जैसा कॉपी किया है लोकी क्राफ्ट 5। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आप ट्राइडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्राइडेंट भी, तो ये त्रिशूल है जो लोकी क्राफ्ट में नहीं होता है, माइनक्राफ्ट में ही सिर्फ होता है, लेकिन लोकी क्राफ्ट 5 में है। तो ये देखिए अपना ट्राइडेंट है जो इसे फेंक कर मारते हैं, जो टेक्नो भाई के पास आपने देखा होगा। तो ये लोकी क्राफ्ट में ये नहीं है, माइनक्राफ्ट में ही सिर्फ है, लेकिन ये लोकी क्राफ्ट 5 में है। तो काफ़ी अच्छा है, आप मैं कह सकता हूँ आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोकी क्राफ्ट 5 में नहीं है, जैसे ये अंडर पोर्टल आपने दिखाया, तो ये लोकी क्राफ्ट 5 में है। और माइनक्राफ्ट में देखिए ये लोकी क्राफ्ट का है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, केवल आप बना सकते हैं, अपना आर्ट दिखा सकते हैं,
घर वगैरह वगैरह, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये स्पॉन्ज भी नहीं काम करता है केवल दिखावट के लिए, ये पानी बिल्कुल भी नहीं सोखता है, ये देखिए अपने अंदर नहीं खींच पाता। तो ये है अपने लोकी क्राफ्ट 5 का। ये देखिए इलाइट्रा मैं कितने मज़े से उड़ा रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें अपने लोकी क्राफ्ट की तो वो भी आप खुद देख लीजिएगा। तो ये अपने लोकी क्राफ्ट 5 में अगर हम ट्राई करते हैं तो ये होता है हमारे साथ, सीधे ऊपर प्यारे हो जाते हैं। तो अगर हम अब डिस्कशन लें, अगर कोई बात करें कि आखिर इन दोनों में से कौन सा गेम बेटर है, तो मेरे हिसाब से तो लोकी क्राफ्ट भी अच्छा है, ग्राफिक्स के मामले में काफ़ी अच्छा है। लेकिन लोकी क्राफ्ट 5 में हम माइनक्राफ्ट जैसा खेल सकते हैं, लेकिन लैग का थोड़ा इशू होता है, खाली जल्द लोड नहीं हो पाता है। तो यही केवल प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा लोकी क्राफ्ट 5 भी खेलें। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं इसका सेटिंग भी आपको सिखाऊंगा कि आखिर आप लोकी क्राफ्ट 5 कैसे खेल सकते हैं और इसमें मल्टीप्लेयर का ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, सब आपको सिखाएंगे। बस केवल आप पूरा वीडियो देखिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं लोकी क्राफ्ट 5 में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।